हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ कीटो वफल बर्गर। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। 1 कप मोज़रेला चीज, 1/2 कप आलमंड फ्लावर, 1 लार्ज एग, 1/8 of a teaspoon जैंथिंग गम पाउडर, 1/4 of a teaspoon ओरिगानो, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 2 beef patties, मोज़रेला चीज, मायोनीज, चॉप लेटस एंड स्लाइस अनियन। वफल बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे वफल्स। एक बॉल में एग डालेंगे और उसको फेंट लेंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे आलमंड फ्लावर, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ को थोड़ा बारीक कट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगानो। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें डालेंगे जैंथिंग गम पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। मैंने जो ये मिक्सचर बनाया है, इससे 3 वफल्स बनेंगे। वफल बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लैक एंड डेकर का वफल मेकर। जब आप वफल बना रहे हो और इसको पैन पे लगा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि वफल मेकर ऑन ना हो। आप देख सकते हैं मैंने जो ये मिक्सचर बनाया है, मैंने इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं डाला, क्योंकि मुझे ऊपर का हिस्सा प्लेन चाहिए ताकि मैं मायोनीज़ आराम से अप्लाई कर सकूं। जब ये हल्की गोल्डन हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये तैयार हो गए। लास्ट वफल इससे थिन बनेगा, क्योंकि मुझे इसे बर्गर में सेंटर में रखना है।
अब हम बनाएंगे बर्गर। वफ़ल पे सबसे पहले मैं ऊपर लगाऊंगी मायनीज। मैंने इसलिए एक साइड स्ट्रेट रखा था ताकि मैं इजली लगा सकूं। अब मैं रखूंगी उसके ऊपर बर्गर पेटीज और उस पे मोज़ेला चीज। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे लेटस और फिर से हमारा थिन वाला वफ़ल। इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे। आप चाहें तो इसमें स्लाइस टोमेटोज भी ऐड कर सकते हैं। और ये तैयार हो गया हमारा कीटो वफ़ल बर्गर। इसको सर्व करने से पहले माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए गर्म कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।